इंसानियत पर हुई भयंकर क्रूरता के बारे में यदि कोई किताब लिखी जाएगी तो उसका पहला ही चैप्टर हिटलर का होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के घटिया इरादों का फल था, जिसमें करीब 7 से 8 करोड़ लोगों की जान गई। इस वीडियो में आप हिटलर के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हैरान करने वाली है। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। उसके अनुसार यहूदी सबसे निम्न स्तर की नस्ल है, जो जर्मनी की मूल समस्या के कारण है। यहूदियों को जड़ से खत्म करने के इरादे से उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यहूदियों का अस्तित्व मिटाने के लिए रची गई साजिश थी होलोकॉस्ट, जिसके दौरान कॉन्सेंट्रेशन कैंप चलाए गए थे। इन कैंप्स में कैदियों को बेरहमी से मारा जाता था। हैरानी की बात है, होलोकॉस्ट के दौरान ऐसे कई कैंप्स चलाए गए, लेकिन हिटलर खुद कभी भी उन्हें देखने नहीं गया। हिटलर की तानाशाही ने जर्मनी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हिटलर का असली नाम एडोल्फ सिकेल ग्रूबर था। बाद में इसने नाम बदलकर एडोल्फ हिटलर कर लिया। अजीब बात है, यहूदियों से इतनी नफरत करने वाले तानाशाह हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी। लेकिन जिस इंसान से दुनिया डरती थी, वह अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सका था। जर्मनी, मलेशिया, मेक्सिको और न्यूजीलैंड में बच्चे का नाम एडोल्फ हिटलर रखने पर पाबंदी है। एडोल्फ का मतलब होता है शानदार भेड़िया। अनगिनत मासूमों की हत्या कराने वाला हिटलर आस्तिक था। हिटलर भगवान पर बहुत आस्था रखता था। बचपन में हिटलर पादरी बनना चाहता था। उसे एक पादरी ने डूबने से बचाया था। एडोल्फ हिटलर की मां ने हिटलर के जन्म से पहले अबॉर्शन का मन बना लिया था। आखिरी वक्त में जाकर डॉक्टर ने मना कर दिया। हैरानी होती है, जिसने लाखों लोगों को मरवा दिया था, उसे वॉर से पहले शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। बाद में पता चला यह एक मजाक था। हिटलर की विचारधारा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1.10 करोड़ लोगों की जान ली और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 7 करोड़ से अधिक लोगों की। हिटलर और चार्ली चैपलिन की मूछ एक जैसी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि हिटलर चार्ली चैपलिन का प्रशंसक था। अजीब संयोग है, चार्ली चैपलिन और हिटलर के जन्म का साल और महीना दोनों सेम है। यकीन करना मुश्किल है कि इंसानियत की धजिया उड़ाने वाला हिटलर शुद्ध शाकाहारी था। उसने पशु हिंसा को रोकने के लिए कानून भी बनाए, लेकिन मानवता पर बहुत जुर्म किए। 1938 में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। नेपोलियन, सिकंदर और हिटलर तीनों को बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। एक यहूदी लड़की एन फ्रैंक ने 15 साल की उम्र में एक डायरी लिखी, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जिसमें हिटलर के अत्याचारों को करीबी से महसूस किया जा सकता है। जब रशियन आर्मी ने बर्लिन पर अटैक किया तो हिटलर ने जमीन में 50 फुट नीचे बने बंकर में खुद को गोली मार ली। हिटलर ने पहली शादी ईवा ब्राउन से की थी और दूसरे ही दिन दोनों ने आत्महत्या कर ली। हिटलर ने कहा था कि मेरी लाश को जला देना। हिटलर ईसाई था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि दफनाए जाने पर लोग उसकी लाश को निकालेंगे और उस पर गुस्सा उतारेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना।